ठीक होंगे। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा देखिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज की ब्लॉगिंग, तो देखिए। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी कलर रुद्र को और उसके बाद दीक्षी को। तो सबसे फर्स्ट होली खेलेंगे हम बच्चों के साथ। हैप्पी होली बेटा, जीतते रहो। हैप्पी होली। चलो अब करो, मम्मा को भी लगाओ कलर। देखो ये दोनों भाइयों की होली कैसे कर रहे हैं दूसरे की। प्रणाम नहीं किया दादा को, अच्छे से पैर छुके। क्या है ये? अब इससे पानी पी रही है, गंदा पानी है वो। नहीं पिया है, नहीं गया मैं। रुद्र गाने लगा। रुद्र वीडियो बना ले। अरे अंग्रेजी में मैं जब के मारे।
दोनों की यहाँ लगी हो, चलिए। हेलो तो गाइज, ये है हमारा फाइनल फाइनल टच। तो बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये लुक। तो गाइज, अभी बचा है 1:30 और हम लोगों ने नहा लिया है, तो कलर भी अभी ढंग से निकला नहीं है सर में से। तो देखिए, कपड़े भी धो लिए थे मैंने सारे, और कपड़े भी बहुत धोने हो रखे थे, तो कपड़ों में से भी ढंग से कलर छूटा नहीं है अभी। और थकान भी बहुत हो चुकी है, लेकिन होली वाले दिन वैसे भी बहुत थकान रहती है। तो बच्चे भी थक गए हैं और बच्चे सो रहे अंदर। आपको ये दिशु तो बहुत थक गया है, इसको तो नींद आ गई है आज। इसको नहलाया मैंने, उसके बाद ये सो गया था। और रुद्र टीवी में है मगन, टीवी देखने में ये डिस्कवरी देख रहा है ये। तो बच्चों को तो मैंने खाना खिला लिया है, अब मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ फिर मैं आपसे। तो गाइस, शाम हो चुकी है और अभी बजा है 4:30 और दिशु भी उठ गया है। तो उठते ही उसने मुझसे दूध मांगा और दूध पिया है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। तो जैसे ही वो बिस्तर पे गया, मैंने नहलाया धुलाया उसको, उसके बाद वो बिस्तर में जाती है, उसको नींद आ गई थी और अब वो दूध पी रहा है। तो ये दिशु यहाँ पे दूध फिनिश कर लिया इसने। तो ये देखिए गाइस, होली के बाद कैसा माहौल हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटे वाला, बिल्कुल शांत तो रखा है यहाँ ये। तो ये कपड़े भी मेरे सूख गए होंगे अब ये, तो अब मैं इनको उठा लेती हूँ। और ये मैं बाहर आई तो मेरे साथ दिशु भी आ गया, इसको साइकिल चलाने का बहाना चाहिए होता है बाहर आके। और ये देखिए, पूरे आंगन में कलर ही कलर हो रखा है। तो दिशु चलाने लग गया यहाँ पे साइकिल। तो यहाँ पे ये मैंने भिंडी बोई थी, ये छोटे छोटे पौधे हैं जो, ये भिंडी के हैं ये, तो ये जम गई है ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं अभी ये। और यहाँ पूरा कलर ही कलर हो रखा है आज पूरा। तो दिशु थक गया है। गाइस, अभी हो चुकी है रात और ये दिशु और मैं बाहर पे ही हैं अभी। तो अंदर पढ़ाई कर रहा है और ये कह रहा है तुझको दिखाओ, मैं यहाँ से नहीं दिखेगी ना तुझे, ऊपर पता नहीं कहाँ। ये बिल्कुल अंधेरा ऐसा दिखता है हमारे घर के आगे बिल्कुल। मेरी साइकिल एक को दिखाओ, दिशु की साइकिल तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे है ये। तो ऐसा दिखता है हमारे आगे रात को, और दिन में तो मैंने आपको दिखा ही रखा है कैसा दिखता है, और रात को तो ये बिल्कुल ही, इधर तो बिल्कुल जंगल ही है ये। तो ऐसा है यहाँ का माहौल। अभी बाहर पे हैं ये, तो अब हम भी अंदर जाते हैं। तो गाइस, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि।